जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्मी क्लर्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के 50+ क्वेश्चन, जो कि आपके बायलिंगुअल बनाए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहने वाले हैं। तो मिशन 2021 आपके लिए रहेगा, जिसमें हम आपके लिए आर्मी के कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स हो चुका है, जो कि आपको 100% श्योर सक्सेस दिलवाएगा। सो जल्दी से आप इसे विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू वर्क इन कंप्यूटर? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है कंप्यूटर में काम करने के लिए किया जाता है? तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सो बायलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, ताकि आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? द फर्स्ट लैंग्वेज डिवेल्प फॉर द प्रोग्राम इज़, तो ऐसी पहली कौन सी भाषा है प्रोग्राम बनाने के लिए? उसका नाम है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो हमारी सी, बेसिक, कोबोल है, ये किस लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं? उसको जो है वो कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। आर्मी क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो किस फील्ड में किया जाता है? तो वो है हमारी साइंस फील्ड, विज्ञान क्षेत्र में जो है वो फोर्ट्रन लैंग्वेज का सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है, डीबीडी किसका उदाहरण है? तो डीबीडी जो है वो किसका एक एग्जाम्पल है? तो वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का जो है वो डीबीडी एक एग्जाम्पल है। आपको कमेंट बॉक्स में डीबीडी की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट वन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? तो टेली प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सी पीढ़ी या कौन सी जनरेशन में उसका यूज़ किया जाता था? तो वो है हमारी तीसरी जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जो है वो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट वन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन। तो पहले से जो ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं? वॉर्म बूटिंग। तो वॉर्म बूटिंग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। थोड़े से लेवल के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं, ताकि आपके सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कवर हो जाएं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो विच इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन द इंटरनेट? तो इंटरनेट के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो है हमारी जावा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा से कई सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट वन है, क्रे क्या है? तो क्रे जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे जो है वो एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस पावर सप्लाई इन अ कंप्यूटर? तो कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए किसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में? उसका नाम है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर के सीपीयू के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट वन है, फाइल एक्सटेंशन किसके किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन जो है वो किसको शो करते हैं, उनका यूज़ क्या है? तो उनका यूज़ होता है आइडेंटिफाई करना उस फाइल के टाइप को। तो जैसे फॉर एग्जांपल फाइल एक्सटेंशन की बात करूं तो वो हमारे पास होते हैं पीडीएफ होती है, फिर डॉस होते हैं, फिर एक्सएलएस होती है। जैसे अगर पीडीएफ की बात करूँ तो ये पीडीएफ फाइल है, डॉस का मतलब है डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सएलएस का मतलब है ये कोई एक्सेल फाइल है। तो ये जो हमारे फाइल एक्सटेंशन है ये उसके उस फाइल के टाइप को शो करने के लिए बताते हैं। अगर मैं बात करूँ इमेज की, तो इमेज जो है वो हमारा आता है पीएनजी या फिर
JPG, तो वो जो है वो इसकी एक फाइल एक्सटेंशन रहती है। नेक्स्ट वन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। सो कीबोर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ होती हैं वो होती हैं हमारी 12। F1 से लेके F12 तक जो हैं वो हमारी टोटल फंक्शन कीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर जो हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। विच जनरेशन कंप्यूटर इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये हमारी 4th जनरेशन का कंप्यूटर रहता है। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले बोर्ड कोड को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर से जो अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनें जो पढ़ी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बार कोड कहा जाता है। ए कोड विच डिफरेंट लेंथ ब्रेथ लाइन्स रीड फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको जो है वो बार कोड कहा जाता है। अगर कोई भी हम खाने की चीज़ लेते हैं उसके पीछे जो है वो ऐसे करके एक काफ़ी सारी लाइनों की फॉर्म में कुछ कोड बताया गया होता है, तो उसी को जो है वो बार कोड के नाम से हम जानते हैं। और बार कोड रीडर जो एक डिवाइस होती है वो हमारी एक इनपुट डिवाइस रहती है। नेक्स्ट वन है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मोडम जो है वो इसका एक सामान्य नाम है। नेक्स्ट वन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है। एक्सेल वर्कबुक कलेक्शन जो है उसको क्या कहा जाता है, तो ये जो है इसका एक वर्कशीट का ये कलेक्शन होता है। नेक्स्ट वन है, ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो है वो हमारा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है, पास्कल क्या है। तो पास्कल जो है एक हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। पास्कल जो है वो हमारी एक कंप्यूटर की भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये एक मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हम जो हैं वो इसको एक कीबोर्ड की लैंग्वेज की फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि है हमारा अल्फ़ाबेट या फिर नंबर की फॉर्म में। तो उसको जो है फिर ये अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहा जाता है। द पॉइंट एट विच डाटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको जो है वो टर्मिनल के नाम से जो है हम जानते हैं। नेक्स्ट वन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड इन अ सेल फोन। तो फ्लैश ड्राइव्स का जो इस्तेमाल है वो हमारे फ़ोन्स में किया जाता है। जो हमारे सेल फोन्स हैं उनके स्टोरेज के लिए जो है वो फ्लैश ड्राइव का यूज़ किया जाता है। बट कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अब फ्लैश ड्राइव का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट वन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो अगर हमारी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हम आउटपुट कहते हैं तो हार्ड कॉपी को क्या नाम दिया जाता है, तो उसको प्रिंटेड आउटपुट कहते हैं। क्योंकि जो हार्ड कॉपी है, जैसे कि हमने कोई एक पेज निकाला है तो वो जो हमारा पेज है अगर वो हमारे हाथ में आया है तो उसको हम प्रिंटेड आउटपुट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है, EDP क्या है। तो EDP की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फुल फॉर्म से रिलेटेड, एक्सटेंशन से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट वन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो उनको क्या कहा जाता है। द वर्ड्स दैट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेट असाइड फॉर हिज ओन यूज़। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए ही सेट किए जाते हैं उनको जो है वो रिवर्स वर्ड्स जो है वो कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, तो उनको रिजर्व वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। रिजर्व वर्ड्स का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लैंग्वेज की बात करूँ, HTML की बात करूँ, तो उसमें एक हमारी कोडिंग चलती है HTML। तो ये जो हमारा एक स्पेशल वर्ड है ये हमारा रिजर्व है। अगर कुछ और प्रोग्रामिंग की बात करूँ, जैसे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेक की बात करें, जैसे अगर हमने मल्टीप्लाई का एक सिंबल लगाना है तो बैक स्लैश करके टाइम्स जो है
वो हम उसमें लिखते हैं। तो ये हमारा जो है एक फिक्स जो है वो प्रोग्रामिंग वर्ड हमारा प्रोग्रामिंग को करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। द ग्रुप ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, उसको जो है वो डाटाबेस के नाम से जो है वो हम जानते हैं। सो आज हमने डिस्कस किए हैं 25 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट की वीडियो में भी हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्यूटर के कवर अप करवाए जाएंगे। जल्दी ही आपके लिए जो है वो सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे। सो आपको वीडियो को लाइक करना है, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल, HPG के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स और साथ में आर्मी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप ज़रूर जुड़ें। आपको नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो उसको शेयर करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।